सात संग जी, बड़े प्यार से कहना था निरंकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निरंकारी सॉन्ग पर। दास गोल्डी अरोड़ा। सात संग जी, आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार सतगुरु हमें भ्रम भुलेखों से बाहर निकाल रहे हैं, अंधविश्वास से दूर कर रहे हैं। सात संग जी, आज हम देखते हैं डेली लाइफ में कि रोज़ जो न्यूज़पेपर अखबार आता है या जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन पर राशिफल आता है, तो शासन जी हमें राशि फल नहीं मानना चाहिए और ना ही निरंकारी संत महात्मा इस राशि फल को मानते हैं। क्योंकि शासन अगर हम देखें तो राम और रावण दोनों की एक ही राशि थी, और शासन अगर हम देखें कृष्ण और कंस इनकी भी एक ही राशि थी, और शासन जी इसी प्रकार अगर हम देखें कि ओसामा और ओबामा इन दोनों की भी एक ही राशि थी, तो शासन जी इन राशियों के भ्रम भुलेखों में हमने नहीं पढ़ना। किसी में लिखा होता है कि आपका दिन शुभ रहेगा, अगर आप दूसरा न्यूज़पेपर उठाकर देखो तो उसमें लिखा होगा कि आप आज आपका दिन शुभ नहीं रहेगा। तो शासन ये इन अगर हम 10 अखबार उठाकर देखेंगे तो 10 अखबारों में आपका राशिफल अलग ही मिलेगा। तो शासन सतगुरु हमें भ्रम भुलेखों से दूर कर रहे हैं, इन अंधविश्वासों में हमें नहीं डाल रहे हैं। अगर बिल्ली रास्ता काट गई है तो हम शासन जी उसमें कोई अंधविश्वास नहीं करना, क्योंकि शासन जी सतगुरु इन सब चीज़ों से हमें दूर कर रहे हैं। और शासन जी अगर फिर भी हम इन भ्रम भुलेखों में उलझे हुए हैं, इनके अंदर लिप्त हैं, तो शासन कहीं ना कहीं ये हमारी ही गलती है, कहीं ना कहीं हम ही अपनी इस गलती को सुधारें और हम ही शासन इस गलती को सुधार सकते हैं। तो यही बेनती बनती है आप संतों से, और दास अपने लिए भी यही बेनती करता है कि सतगुरु से कहे वचन पर हम चल पाएं, इन अंधविश्वासों भुलेखों में हम ना पड़ें, इनसे दूर ही रहें। यही अरदास बेनती है आप सभी संतों से। सत्संग जी, बड़े प्यार से कहना धन्यवाद जी।